दोस्तों, क्या आप ज़्यादा धन कमाना चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका बड़ा घर हो, अच्छी कार हो, आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, अच्छा एजुकेशन लेते हो? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि आपके यह सभी सपने पूरे करने वाले हैं। तो फिर जुड़े रहिए, मैं हूँ डॉक्टर भरत, आपका मेरी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वह है मुद्रा थेरापी। यहाँ पर आपको मैं एक ऐसी मुद्रा बताने वाला हूँ जो कि आपको यह सभी सपने पूरे करने में मदद रूप होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मुद्रा बताने वाला हूँ वह है कुबेर मुद्रा। कुबेर यानी कि धन का देव, इसीलिए यह मुद्रा का नाम है कुबेर मुद्रा। तो दोस्तों, पहले आपको मैं यह मुद्रा बनाने का तरीका सिखाऊंगा और इनके बाद यह मुद्रा आपको किस तरीके से धन कमाने में फायदा करने वाली है वह बताऊंगा, और आखिर में यह मुद्रा किस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी और कम समय में फायदा मिलेगा यह भी बताने वाला हूँ। तो फिर अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, पहले जानते हैं यह मुद्रा बनाने का तरीका। दोस्तों, यह मुद्रा बनाने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को मोड़ के हथेली पर रख देना है, और इनके बाद अपनी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है। दोस्तों, यह हो गई कुबेर मुद्रा। दोस्तों, अभी जानते हैं यह मुद्रा का साइंस कि किस तरीके से यह मुद्रा हमें धन प्राप्ति में मदद रूप होने वाली है। दोस्तों, हमारा शरीर और पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। दोस्तों, यह 5 तत्व ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है और पूरी यूनिवर्स को भी कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुद्रा थेरापी से हम यह 5 तत्वों में चेंजेस लाके हमें फायदा दिला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो 5 फिंगर है वो अलग अलग तत्वों को दर्शाती है, यानी कि इंडेक्स फिंगर वायु तत्व को, मिडल फिंगर आकाश तत्व को, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को और लिटिल फिंगर जल तत्व को, और थंब अग्नि तत्व को दर्शाते हैं। यहाँ पर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ने से वह तत्व बढ़ जाता है, यानी कि अग्नि, वायु और आकाश तत्व बढ़ जाता है, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को मोड़ने से वह तत्व कम हो जाता है, यानी कि पृथ्वी और जल तत्व कम हो जाते हैं। दोस्तों, आकाश तत्व बढ़ने से हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, ऐसे वाइब्रेशन जनरेट होने लगते हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाते हैं, ऐसे लोगों से हमें मिलाते हैं जो कि हमें धन प्राप्ति में मदद रूप होने वाले, ऐसे आइडियाज़ हमारे माइंड में लाते हैं जो कि हमें हमारा गोल अचीव करने में मदद रूप होते हैं। इसीलिए आकाश तत्व बनने से हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, धन प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं, और वायु तत्व बढ़ने से हमें एक तरीके से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता है, हमारे में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जनरेट होने लगती है जो कि हमें धन प्राप्ति में मदद रूप होने वाली है। वायु तत्व हमारे में क्रिएटिविटी डेवलप करता है, हमारे में ऐसी स्किल डेवलप करती है जो कि हमें धन प्राप्ति में मदद रूप होने वाली है। वायु तत्व बहुत सारे आइडियाज़ हमारे माइंड में लाना शुरू कर देता है, इसीलिए वायु तत्व हमारे एम्बिशन को बनाए रखता है। पर दोस्तों, मात्र अपॉर्चुनिटी और स्ट्रॉन्ग डिजायर होने से ही हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, पर धन की प्राप्ति के लिए हमें यह दो चीज़ के अलावा एक और चीज़ चाहिए, वह है वर्क, यानी कि हमें हमारे गोल अचीव करने के लिए कार्य करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम सिर्फ यह मुद्रा करके ही धन की प्राप्ति कर सकते हैं? जी नहीं, पर आपको कार्य करना बहुत ही जरूरी है। आपको धन प्राप्ति के लिए अपने गोल पर लगे रहना है, उनके लिए सतत प्रयत्न करते रहना है। तो दोस्तों, अग्नि तत्व हमारे हाथ पैर में ऐसी जान लगा देता है, ऐसी एनर्जी डेवलप करता है जो कि हमें हमारा गोल, हमारी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने में मदद रूप करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आकाश, वायु और अग्नि यानी कि अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर और एनर्जी, यह तीनों चीज़ का मिलन होने से हमें धन की प्राप्ति होने ही वाली है। इनके अलावा यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी और जल तत्व कम हो जाता है, इसीलिए हमारे शरीर में से आलस, लेजीनेस और जड़ता कम हो जाती है, हम हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह मुद्रा से ऐसे वाइब्रेशन जनरेट होने लगते हैं जो कि हमें धन प्राप्ति करने के लिए बहुत ही फायदा देते हैं।
दोस्तों अभी जानते हैं यह मुद्रा को आपको किस तरीके से करना है कि ज़्यादा फायदा आपको मिल पाए वह भी कम समय में। दोस्तों यह मुद्रा को आप एक हाथ से भी कर सकते हो या तो फिर दोनों हाथ से भी कर सकते हो, पर अगर आप दोनों हाथ से करोगे तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों यह मुद्रा को आप दिन में कोई भी समय पर कर सकते हो, आप काम के समय भी कर सकते हो, चलते वक्त भी कर सकते हो, खड़े होके भी इनको कर सकते हो। पर अगर आप यह मुद्रा को सुबह के टाइम प्राणायाम या तो फिर ध्यान में बैठ के करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों यह मुद्रा के साथ आप अपने गोल को विजुलाइज भी कर सकते हो तो भी आपको जल्दी फायदा मिल सकता है। दोस्तों यह मुद्रा को आप उत्तर दिशा में बैठ के करोगे तो जल्दी फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा भी बोली जाती है, धन की दिशा बोली जाती है। इसीलिए आपको अपना फेस उत्तर दिशा की ओर रख के यह मुद्रा का अभ्यास करना है। दोस्तों यह मुद्रा को आप कम से कम 15 मिनट से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो, इनकी कोई लिमिट नहीं है। पर कम से कम आपको 45 मिनट करना जरूरी है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर यह मुद्रा के अभ्यास के दरमियान आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यह मुद्रा से हमारे शरीर में आकाश और वायु तत्व का प्रमाण बढ़ जाता है और पृथ्वी और जल तत्व कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर किसी को वायु की तकलीफ है, वायु से होने वाले रोग हैं, तो यह मुद्रा के अभ्यास के दरमियान थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। यह मुद्रा को आप 10 से 15 दिन के लिए करिए, फिर थोड़े दिन के लिए रुक जाइए और वापस यह मुद्रा का अभ्यास शुरू कर सकते हो, या तो फिर यह मुद्रा के साथ आप प्राण मुद्रा जरूर करिए, यानी कि 45 मिनट कुबेर मुद्रा करिए और 15 मिनट के लिए प्राण मुद्रा जरूर कर लीजिए। दोस्तों प्राण मुद्रा का डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यह वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों यह हो गई कुबेर मुद्रा और किस तरीके से आप कुबेर मुद्रा से धन प्राप्ति कर सकते हो वह आसान तरीका। दोस्तों यह मुद्रा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग धन प्राप्ति का यह आसान तरीका जान पाए और उनको आजमा के धन प्राप्ति कर सके। दोस्तों अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इनको लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते एक नए वीडियो नए हेल्थ टिप्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।